हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा एचपी के उन लैपटॉप्स के बारे में जो 60,000 से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, और एचपी के इस रेंज के ये सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट लैपटॉप्स हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टेक टॉक को और देखते हैं कौन कौन से हैं वो लैपटॉप इस रेंज के। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, 60,000 के नीचे के रेंज में मैंने चार लैपटॉप एचपी के सेलेक्ट किए हैं, और ये चारों लैपटॉप जो हैं इस रेंज के सबसे बेस्ट लैपटॉप हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो लैपटॉप है वो एक टच डिस्प्ले लैपटॉप है, और इस लैपटॉप का नाम है एचपी पवेलियन X360। इसकी कीमत 60,000 रुपये से कम है। एक टच डिस्प्ले लैपटॉप है ये, और ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है 14 इंच का है, साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल का i3 प्रोसेसर है, और ये 10th जनरेशन प्रोसेसर है इंटेल का। साथ ही 8GB रैम इसमें लगा हुआ है, 512GB की SSD ड्राइव है, और इस पे विंडोज 10 OS मिलेगा आपको। साथ ही एक साल की ऑन साइट वारंटी भी HP की इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो लैपटॉप है HP का HP X360, ये चौथे नंबर पर है, और ये इस लिस्ट का चौथा सबसे बेस्ट लैपटॉप है 60,000 के नीचे के रेंज में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा लैपटॉप है। दोस्तों, तीसरे नंबर से मैंने वो लैपटॉप सेलेक्ट किया है जिनमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, यानी ये जो लैपटॉप है, ये तीन लैपटॉप जो मैं अब बताऊंगा, वो बहुत ही अच्छे हैं गेमिंग पर्पस के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो कि हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर यूट्यूबर हैं। क्योंकि ये लैपटॉप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो तीन लैपटॉप है, इनमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जो कि ग्राफिक्स को बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। तो यूट्यूब के वीडियोस भी बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाएंगे। अगर आप 4K वीडियो भी प्रोसेस कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ी से प्रोसेस होंगे इन लैपटॉप्स में। साथ ही गेमिंग के लिए भी ये लैपटॉप अच्छे हैं, और गेम्स भी इसमें बहुत ही स्मूथली रन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तब भी ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो लैपटॉप है वो है HP पवेलियन गेमिंग 15, और इसके साथ जो कोड एसोसिएटेड है वो है DK0263TX। तो ये लैपटॉप आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसका जो डिस्प्ले है 15.6 इंच का है, यानी डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, और प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो इंटेल का i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है। 8GB रैम इसमें आपको मिलेगा, साथ ही 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव आपको इसमें मिलेगी। इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो NVIDIA का है GeForce GTX 1650, साथ ही विंडोज 10 OS इसमें आपको मिलेगा, और एक साल की HP की ऑन साइट वारंटी भी इसमें आपको मिलेगी। तो ये ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये जो लैपटॉप है बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो रैम जो 8GB है उसको 16GB लगवा सकते हैं, और साथ ही 1TB की जो हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें HP आपको दे रहा है उसे आप रिप्लेस करवा सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD से। अगर ये काम आप इसमें करवा देते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, और ये और भी स्मूथली रन करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा लैपटॉप है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप है वो भी HP का पवेलियन गेमिंग है, और साथ ही इसके साथ जो कोड एसोसिएटेड है वो है 15EC0100AX। ये लैपटॉप आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसका जो डिस्प्ले है 15.6 इंच का है, साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर है। 8GB रैम इसमें आपको मिलेगी, और साथ ही 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें आपको मिलेगी। ग्राफिक्स कार्ड जो इसमें लगा हुआ है वो NVIDIA का है GeForce GTX 1650। आप इसके रैम को अपग्रेड करवा सकते हैं 16GB तक, और 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करवा सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव से। तो इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा लैपटॉप मौजूद है। पहले नंबर पे भी जो लैपटॉप मौजूद है वो है HP पवेलियन गेमिंग, और इसके साथ जो कोड एसोसिएटेड है वो है 15EC1024AX।
ये लैपटॉप आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो AMD का Ryzen 5 है, 8GB रैम इसमें आपको मिलेगा, 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगी, साथ ही विंडोज 10 OS इसमें आपको मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड जो इसमें लगा हुआ है NVIDIA का वो है GeForce GTX 1650 और इसमें HP की 1 साल की ऑन साइट वारंटी आपको मिलेगी। जितने भी लैपटॉप मैं यहाँ बता रहा हूँ सब में 1 साल HP ऑन साइट वारंटी देता है और इस वारंटी को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस लैपटॉप का भी डिस्प्ले 15.6 इंच का है और इसमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव आपको मिलेगी 1TB की उसे आप रिप्लेस करवा सकते हैं SSD से, साथ ही रैम को भी अपग्रेड करवा सकते हैं 16GB तक। तो ये तीनों लैपटॉप जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं ये बहुत ही बेहतरीन हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या फिर गेमिंग पर्पस के लिए। और एक जो चौथे नंबर का लैपटॉप है वो बहुत ही यूनिक है, टच डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप अवेलेबल है 60,000 से नीचे के रेंज में। तो आप इन चारों लैपटॉप्स में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं, सब में अपनी खूबियाँ हैं और कुछ एक अपग्रेड अगर आप करवा लेते हैं लेते समय, जैसे कि रैम को इंक्रीज करवा लेते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करवा लेते हैं SSD से, तो इन लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस जो है और भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, धन्यवाद।